अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची। जैसे आप लोगों को पता है कि ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं फेस टू फेस आ रहा हूँ कैमरे के सामने। तो आज की जो वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो श्रिम्स मतलब कि झींगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। ये रहे झींगे और ये उनके सर। अरे भाई, ये तो लग रहा है जैसे मुझे ही देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मसालों के बारे में बताते चलो। इसके लिए मेथी दाना पानी बिल्कुल नहीं डालेगा, ना कि प्याज या टमाटर को फ्राई नहीं करेगा। प्याज, टमाटर, साबुत हरी मिर्च, लाल हरी मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी का पाउडर, मेथी दाना, वो अदरक, नमक और बस। बाकी अगर आप लोगों को खाना अच्छा लगे तो ज़रूर बताएगा। तो ज़रा रिज़ल्ट चेक करें क्या मज़े का लग रहा है मसालेदार। अब हम लोग जा रहे हैं रोटी को तलने, जो कि मेरे अबू लाते हैं एक रियल के बकाले से। चार पांच होती है इसके अंदर। हम लोग इसको थोड़ा सा पानी से गीला करते करूँगा मैं, और फिर इसको मक्खन को फ्राई पैन में रब करके, जब मेरे फ्राई पैन में मक्खन डाल के, और फिर इसको तल लूँगा थोड़ा थोड़ा सा। बहुत मज़े का लगेगा, आप ज़रा भी चेक करेगा कि मैं तलूँगा। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं मक्खन रब कर रहा हूँ, इस तरीके से आप मक्खन रब कर देगा। और अब मैं रोटी को थोड़ा सा गीला करके फिर रोटी को इसके अंदर डाल दूँगा। थोड़ा सा तलने के बाद फिर अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी टाइप, आपको इसका क्रंच टाइप थोड़ा सा चाहिए तो आप इसको बिल्कुल लाल कर दें, वरना फिर आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा तल के थोड़ा थोड़ा सा लाल कर दें, मज़े का लगेगा। अभी आप ज़रा इसका रिज़ल्ट चेक करें। ये देखें रोटी का ज़रा रिज़ल्ट, बिल्कुल लाल हम लाल और थोड़ा क्रंच टाइप, मज़ा आ गया। चलें, अब हम लोग पैरलने वाला लेने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह। तो अब मैं पैरलने वाला डालूँ, क्या मज़े का था। मैंने तो 9 out of 10 दी रेटिंग इसको। अब आप लोग क्या देंगे ये ज़रूर बता देगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और कमेंट सेक्शन में भी बताएगा आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट। देखने में भी आप लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।